हाय एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बॉक्स का कवर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास बॉक्स होता है उसका क्या मेजरमेंट ले लेंगे। इसका हम नाप लेंगे ऊपर से, तो इसका नाप है यहाँ पर 43 इंच। 43 इंच इसका एग्जैक्ट नाप है जितना कि ये बॉक्स है। और अब साइड से नाप लेंगे, वो है 24 इंच, 24 इंच। दूसरी साइड से भी इसका नाप 24 इंच ही है, दोनों तरफ से 24 इंच है। अब ऊपर से नीचे की तरफ है जो इसकी ऊंचाई, वो भी 24 इंच की ही है। यहाँ पे मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है, आप किसी भी टाइप का फैब्रिक ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो अब हम यहाँ पर कपड़े को नापेंगे और फिर कट करेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर की जो लंबाई थी वो 43 इंच थी, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे और 44 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ जो लंबाई इसकी चौड़ाई थी वो थी 24 इंच, और यहाँ पे भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है 25 इंच। और इसको पूरा निशान लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको काट लेंगे। इसमें मैं एक साड़ी का इस्तेमाल करूंगी। तो इस साड़ी में जो ऊंचाई है बॉक्स की 24 इंच थी, तो 25 इंच मेजरमेंट करके मैंने इसको काट लिया है। ये देखिए 25 इंच मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको नापेंगे, जो बॉक्स की किनारी थी उसी तरह से इसको नापेंगे। एक साइड 24 इंच थी, फिर नेक्स्ट थी वो थी 43 इंच। इस तरह से इसको इंची टेप को 43 इंच तक ले जाएंगे, फिर से इंची टेप को 1 इंच पे ले जाएंगे और इस तरह से फिर 24 पे ले जाएंगे। ऐसे ही आपको चारों तरफ से इसका नाप ले लेना है। और जो ये फैब्रिक है उसको हम सीधे बिछा लेंगे, और इसको भी हम इसके ऊपर पलट के सीधा ही निशान लगा लेंगे। और यहाँ से इस तरह से इसको रखते हुए सिलाई मशीन पे हम निशान लगा के इसको सील लेंगे। चाहे तो इस तरह से आप इस कपड़े को बिछा के और फिर पिन से सिक्योर कर लें ताकि ये साइड से हिले ना। ये देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसको कपड़े को बिछा लेना है और किनारी पे मोड़ देना है अंदर की तरफ, जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और अब चारों तरफ से इस पे निशान लगा लेंगे। और किनारे ये देखिए किनारा आया है भी। अब क्या प्लेट की तरह से इस तरह से उठाएंगे और पीछे की तरफ कपड़े को रख लेंगे। हल्की सी सिलाई चला के अभी इसको मोड़ देंगे। आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है चारों किनारों पे। ये देखिए ये बॉक्स का कवर अभी रेडी हो चुका है, और ये एकदम से परफेक्ट सिल चुका है। एक साइड से भी ये ऊपर नीचे या थोड़ा बहुत लूज नहीं है, ये एकदम से परफेक्ट रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.